हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल. सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन एंड आई होप सो आप सभी ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखा होगा. तो चलिए देखते हैं अगली प्रपोजिशन कौन सी है. नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन. आइए डिफाइन करते हैं. कंपाउंड प्रपोजिशंस आर सच वर्ड्स विच फॉर्म्ड विद ए और बी एज प्रीफिक्स. दीज प्रपोजिशंस कम इन अ सेंटेंस बिफोर अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. यानी कंपाउंड प्रपोजिशंस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ए और बी लगाकर बनाए जाते हैं एक प्रत्यय की तरह. ये ऐसी प्रपोजिशंस हैं जो सेंटेंसेस में किसी नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के पहले आती हैं. आइए देखते हैं एग्जाम्पल में कौन से होते हैं ये वर्ड्स, जैसे अबव, अलोंग, अमोंग, अबाउट, अगेंस्ट, आफ्टर, बिटवीन, बिसाइड, बिलो, बियॉन्ड एक्सेट्रा. ये सभी वर्ड्स यहाँ पर कंपाउंड प्रपोजिशंस के एग्जाम्पल हैं. हालांकि इन वर्ड्स का फॉर्मेशन अलग होता है, लेकिन इनके फंक्शंस वैसे ही होते हैं जैसे अन्य सभी प्रपोजिशन के. तो चलिए स्टूडेंट्स, कंपाउंड प्रपोजिशन को कुछ सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं. सबसे पहला सेंटेंस, माय बाइक इज पार्क्ड बिटवीन टू कार्स. मेरी बाइक दो कारों के बीच में खड़ी है. इस सेंटेंस में हमने रेड कलर वर्ड बिटवीन का यूज किया है, जिसमें प्रीफिक्स की तरह बी का यूज हुआ है और यह वर्ड एक नाउन के पहले लिखा गया है, इसीलिए यह कंपाउंड प्रपोजिशन कहलाएगा. अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, He always talks about his close friends. वह हमेशा अपने करीबी दोस्तों के बारे में बात करता है. इस सेंटेंस में भी हमने रेड कलर वर्ड अबाउट का यूज़ किया है, जिसको फॉर्म किया गया है ए प्रीफिक्स लगाकर, और यह वर्ड भी नाउन के पहले ही आया है, इसीलिए यह कंपाउंड प्रपोजिशन होगा. अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस, राहुल स्विम्स अक्रॉस द रिवर. राहुल नदी के उस पार तैरता है. इस सेंटेंस में भी हमने रेड कलर वर्ड अक्रॉस का यूज़ किया है, जिसको फॉर्म किया गया है ए प्रीफिक्स लगाकर, और यह वर्ड भी द रिवर नाउन से पहले लिखा गया है, इसलिए यह भी कंपाउंड प्रपोजिशन होगा. अब देखते हैं फोर्थ सेंटेंस, ही स्टूड बिसाइड द कार. वह कार के बगल में खड़ा हुआ है. इस सेंटेंस में रेड कलर वर्ड बिसाइड का यूज़ हुआ है, जो बी प्रीफिक्स लगाकर फॉर्म किया गया है, और यह भी द कार नाउन के पहले लिखा गया है, इसीलिए यह भी कंपाउंड प्रपोजिशन कहलाएगा. आशा करती हूँ स्टूडेंट्स, आप सभी को कंपाउंड प्रपोजिशंस के ये एग्जांपल्स ज़रूर समझ में आए होंगे. तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं अगली प्रपोजिशन. नाउ वी हैव द नेक्स्ट प्रपोजिशन, दैट इज पार्टिसिपल प्रपोजिशन. आइए इसे भी डिफाइन करते हैं. पार्टिसिपल प्रपोजिशन इज अ वर्ब एंडिंग विद आई एन जी, ई एन और ई डी, विच इज ऑल्सो यूज एज अ प्रपोजिशन. पार्टिसिपल प्रपोजिशन आई एन जी, ई एन या ई डी के साथ समाप्त होने वाली क्रिया होती है, जिसे हम प्रपोजिशन की तरह भी यूज करते हैं. चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं कौन से होते हैं ये वर्ड्स, जैसे concerning, considering, according, regarding, given, expected, etc. यहाँ पर ये सभी वर्ड्स पार्टिसिपल प्रपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं. हालांकि दिखने में ये सभी वर्ब की तरह लगती हैं, लेकिन इनका यूज सेंटेंसेस में एज अ पार्टिसिपल प्रपोजिशन किया जाता है. आइए पार्टिसिपल प्रपोजिशन को भी कुछ सेंटेंसेस में यूज करते हैं. सबसे पहला सेंटेंस, स्टूडेंट्स वर गिवन रिफ्रेशमेंट. विद्यार्थियों को जलपान दिया गया. इस सेंटेंस में रेड कलर वर्ड गिवन का यूज़ हुआ है. हालांकि दिखने में यह एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज़ एक कनेक्टर की तरह हुआ है, इसीलिए इसे पार्टिसिपल प्रपोजिशन कहेंगे. आइए अब देखते हैं सेकेंड सेंटेंस, आई स्टडी डेली अकॉर्डिंग टू माई शेड्यूल. मैं अपने शेड्यूल के अनुसार रोज़ाना पढ़ाई करता हूँ. इस सेंटेंस में रेड कलर वर्ड अकॉर्डिंग टू का यूज़ हुआ है. अकॉर्डिंग यहाँ पर डेफिनेटली एक वर्ब है, जिसके साथ टू ऐड कर दिया गया है. चूँकि यह यहाँ पर एक कनेक्टर की तरह यूज़ हुआ है, इसीलिए इन्हें हम पार्टिसिपल प्रपोजिशन कहेंगे. अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस, ही हैड नथिंग टू से रिगार्डिंग दिस मैटर. इस मामले में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है.
इस सेंटेंस में देखिए रिगार्डिंग वर्ड का यूज़ हुआ है जो कि एक वर्ब है डेफिनेटली, बट यहाँ पर यह कनेक्टर है इसीलिए इसे भी हम पार्टिसिपल प्रपोजिशन कहेंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल प्रपोजिशन के ये एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। आइए स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे फिफ्थ एंड द लास्ट वन टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन जो कि है फ्रेज प्रपोजिशन। आइए इसे भी डिफाइन करते हैं। द फ्रेज प्रपोजिशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंसीडर्स एज अ प्रपोजिशन, यानी फ्रेज प्रपोजिशन शब्दों का एक समूह होता है जिन्हें एक प्रपोजिशन की तरह ही माना जाता है, यानी फ्रेज प्रपोजिशन में एक से अधिक शब्दों का उपयोग किया जाता है और ज़रूरी नहीं है कि आने वाले सभी शब्द उसमें प्रपोजिशन ही हो, यानी कि उसमें कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है और एक सिंगल प्रपोजिशन की तरह वे कंसीडर किए जाते हैं। तो आइए एग्जाम्पल में देखते हैं कौन से होते हैं ये वर्ड्स, जैसे अकॉर्डिंग टू, अलॉन्ग विद, अवे फ्रॉम, बाय डिंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑर्डर टू, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये सभी वर्ड्स फ्रेज प्रपोजिशन के एग्जाम्पल हैं जो कि ग्रुप में लिखे गए हैं। आइए स्टूडेंट्स, फ्रेज प्रपोजिशन को कुछ सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, मैंने उसे अपने परिवार की ओर से बधाई दी। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि ग्रुप में कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं ऑन बिहाफ ऑफ, जिसमें ऑन और ऑफ सिंपल प्रपोजिशंस हैं जबकि बिहाफ यहाँ पर एक नाउन है। इन्हें हम एक सिंगल प्रपोजिशन की तरह काउंट करेंगे और यह फ्रेज प्रपोजिशन कहलाएगी। आप देखते हैं दूसरा सेंटेंस, दे वेंट टू पिकनिक अलॉन्ग विद द फ्रेंड्स, वे दोस्तों के साथ पिकनिक पर गए। इस सेंटेंस में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हुआ है अलॉन्ग विद, जिसमें अलॉन्ग एक एडवर्ब है जबकि विद एक प्रपोजिशन है। इन दोनों को ही यहाँ पर एक सिंगल प्रपोजिशन की तरह हम कंसीडर करेंगे और यह कहलाएगी फ्रेज प्रपोजिशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, वो ये कि फ्रेज प्रपोजिशन को बनाने के लिए सिंपल प्रपोजिशन, नाउन, एडवर्ब और कंजंक्शन का यूज किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस, सेवरल चिल्ड्रन आर अवे फ्रॉम द स्कूल बिकॉज ऑफ इलनेस, कई बच्चे बीमारी की वजह से स्कूल से दूर हैं। अब आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में सबसे पहला ग्रुप ऑफ वर्ड है अवे फ्रॉम और दूसरा है बिकॉज ऑफ। पहले वाले ग्रुप ऑफ वर्ड में अवे एक एडवर्ब है जबकि फ्रॉम एक सिंपल प्रपोजिशन। दूसरे वाले ग्रुप ऑफ वर्ड में बिकॉज एक कंजंक्शन है जबकि ऑफ एक सिंपल प्रपोजिशन। यहाँ पर ये दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सिंगल प्रपोजिशन की तरह यूज किए गए हैं और इन्हें हम कहेंगे फ्रेज प्रपोजिशन। जी हाँ, ये दोनों ही यहाँ पर फ्रेज प्रपोजिशन कहलाएंगी। याद रहे, फ्रेज प्रपोजिशन का प्रयोग वाक्यों में किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन या फिर अन्य शब्दों के पहले किया जाता है। सो आई होप स्टूडेंट्स, आप सभी को टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन का यह सेकेंड पार्ट वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।